हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओमनाकोटिल 10 mg टैबलेट के बारे में, जो कि कई प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है। इस टैबलेट को जो कि बॉडी में एलर्जी कंडीशन हो तो उसमें यूज कर सकते हैं, और किसी टैबलेट के साथ इस टैबलेट को लगाने से उस टैबलेट की पावर को बढ़ा देता है ये टैबलेट, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, कैसे प्राइस है, कैसे यूज करना है और कैसे क्या साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यह है ओमनाकोटिल 10 mg टैबलेट, जो कि मैकलियोड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की है, और इसके प्राइस की बात करें तो 10 रुपये है, जो कि एक स्टिक में 10 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेडनिसोलोन 10 mg टैबलेट। दोस्तों ओमनाकोटिल 10 mg टैबलेट, जो कि कई सारे बीमारियों में यूज की जाती है इस टैबलेट को, और ये एक स्टेरॉइड टैबलेट है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को। नंबर 1, बॉडी में एलर्जी कंडीशन हो तो उसमें यूज कर सकते हैं, सूजन हो बॉडी में तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, स्किन में प्रॉब्लम हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को। नंबर 2, खांसी हो, बार बार छींक आना, आंखों में जलन हो, आंखों में खुजली हो, तो इस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को। नंबर 3, और एंटीबायोटिक टैबलेट के साथ भी इस टैबलेट को यूज की जाती है, जिससे कि उस टैबलेट का पावर को बढ़ा देता है। इसके लगाने से पेशेंट जल्दी सही हो जाते हैं और आराम मिल जाता है उनको। एग्जांपल के तौर पे कुछ एंटीबायोटिक के नाम ले रहा हूँ, जैसे कि मॉक्स हो गया 500 mg, और महासेव प्लस, जिफी, ऑफलॉक 200 mg इत्यादि एंटीबायोटिक के साथ लगाया जाता है वाइसलॉन 5 mg टैबलेट को। नंबर 4, चरम रोग, गठिया का दर्द। नंबर 5, जॉइंट पेन हो, जोड़ों में दर्द हो। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें इस टैबलेट को। एक एक टैबलेट दिन में खाना खाने के बाद लेना है। कैसे लेना है दोस्तों? दिन में 2 बार ले सकते हैं, मतलब सुबह और शाम, दिन में 2 बार ले सकते हैं इसको आप। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये टैबलेट आप यूज करें तो ये बातें ध्यान रखें। नंबर 1, इस टैबलेट को ओवरडोज ना लें। नंबर 2, इस टैबलेट को खाली पेट भी ना लें। नंबर 3, यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। बाय द वे, कोई केस में सूट ना करें ये टैबलेट, ये देख सकते हैं जैसे कि हेडेक, वोमिटिंग इत्यादि हो सकता है। तो दोस्तों इसमें से कुछ भी हो तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इस टैबलेट का यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें। और दोस्तों ओमनाकोटिल टैबलेट में और भी कई फॉर्म अवेलेबल है, ओमनाकोटिल 5 mg, ओमनाकोटिल 10 mg, ओमनाकोटिल 20 mg और 30 mg और 40 mg अवेलेबल है। तो कंडीशन के हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं ये सारे mg, जो कि डॉक्टर पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से सजेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का हमारी वीडियो ओमनाकोटिल 10 mg टैबलेट के बारे में, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया इस टैबलेट का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।